सुमित क्या बात है। प्याज की जो ये चरचराने की जो आवाज होती है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाय दोस्तों, अभी बज रहे हैं 7:00 PM और अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, ठीक है। सो मम्मी रोटी बना रही है और आज मम्मी ने बनाई है आलू पत्ता गोभी की सब्जी। और आज एक मेरा कुकिंग व्लॉग होने वाला है, ठीक है, इसीलिए खाने के टाइम पे मैं कैमरा लेके खड़ी हुई हूँ। सो आज मैं कुक करने वाली हूँ और मैं बनाने वाली हूँ अंडा भुर्जी एंड अंडा फ्राइड राइस। ये क्लैपिंग। सो बहुत टाइम हो गया था, ठीक है, काफ़ी टाइम से अंडा खाने की क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो वॉट इज़ बेटर दैन अ फ्राइड राइस एंड सम भुर्जी ऑन टॉप ऑफ इट। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है। सो देखिए, टमाटर और मिर्ची मैंने थिनली चॉप कर दिया है, थोड़े से जिंजर, सॉरी दिस इज गार्लिक, थोड़े से गार्लिक थिन चॉप कर दिए और बहुत सारे अनियन। गरम गरम तेल में हम लोग डालेंगे प्याज, क्या बात है। और ये प्याज की जो ये चरचराने की जो आवाज होती है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, ठीक है, इनको हम हल्का सा कच्चा रहने देंगे क्योंकि भुर्जी में ना वो कच्चे वाले अंडे का, सॉरी कच्चे वाले प्याज का टेस्ट आता है। अब इसमें ऊपर से मैं डाल दूंगी टमाटर, पूरा एक टमाटर की मम्मी फ्राई कर रही है राइस, हाँ वेज फ्राइड राइस। तो कमी किसी के लिए नहीं होना चाहिए, कमी किसी के खाने में नहीं होनी चाहिए भाई, नॉन वेज। हाँ बिल्कुल। अब प्याज और टमाटर ऐसे फ्राई होने लग गए हैं, ठीक है, अब इसको टमाटर गलने तक पकाएंगे। थोड़ा बहुत इसमें मसाले डाल दे रही हूँ मैं, इसमें मैंने नमक हल्दी डाल दिया है और ये है मेरा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मैगी मसाला मैजिक। तो क्योंकि यहाँ ज़्यादा अंडे हैं इसलिए मैं पूरा का पूरा एक पैकेट मसाला डाल रही हूँ, अदरवाइज मैं कम ही डालती हूँ, मतलब चुटकी भरी नो जस्ट फॉर सम टेस्ट। नहीं भी डालोगे तब भी अब अच्छा रहता है क्योंकि अंडे का अपना टेस्ट आता है, लेकिन हल्का फुल्का चलता है फिर भी। यू नो हाउ वी इंडियंस आर, वी लाइक एवरीथिंग विद मसाला। मम्मी ये मेरे को बगल में मारने की साजिश क्यों हो रही है, ये मम्मी बगल में मेरी त्वचा खराब करने की साजिश करेंगे, चटक कटक करके आ रहा है। तो आप थोड़ी देर मसाले के साथ इसको भुनने देंगे, ठीक है। ये मतलब छोटा बेटा कैसे रह जाए, बड़ा बेटा ही खा रहा है तो। और ये देखो, ये पूरे के पूरे 10 अंडे, बाप रे। तो हमारा भुर्जी का मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और ये देखिए, एक साथ अब 3 कढ़ाइयाँ आ गई हैं। ये बन रहा है वेज फ्राइड राइस जो मम्मी बना रही है लवी और अपने लिए, ठीक है। बाकी अब जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने राइस का तैयारी कर लेती हूँ। तो तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे व्हाट, गार्लिक। तो गाइस देखिए, अब है मेरे इम्तिहान की असली घड़ी और एक अंडा हमारा अंदर फूट गया है, जिस चीज़ का मुझे डर था पता है वही हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब असली इम्तिहान है मेरा, क्यों मैं बताती हूँ, मेरी शक्ल दिखानी, इधर नहीं दिखाना, दोनों एक साथ। और कैमरे के पीछे कैमरा मैन सुमित शंभू पाठक, ठीक है, अरे मैं डाल लेती हूँ, बहुत तेज हुआ पता है, इसमें दिखा। तो गाइस अभी 3 अंडे डल गए हैं, सुबह दो पानी आ रहा है, अभी क्या आएगा, जब बनेगा तभी आएगा, पहले क्या बताऊं। ये गया चौथा अंडा, समझ जाओ तुम मत पिटना। सोच हमारे घर में देख लो, राक्षस हैं ये लोग खाने वाले, 10 अंडे बन रहे हैं, 10 मात्र 3 लोग के लिए। पसीना कितना आ रहा है देख तो, वैसे सारी औरतों को मानना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई साहब ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो बिल्कुल पानी की तरह तैर रहा है, नहीं बाप रे, ये पता केक की तरह लग रहा है गाइस, ये देखो साइड से पूरा आ गया है। अब हम आंच को करेंगे तेज और अब अंडा भुर्जी हमारी बननी स्टार्ट होगी। ये फ्राइड राइस, फ्राइड राइस या समझ में नहीं आ रहा अभी तक, अंडा कभी तूने अंडा फ्राइड राइस देखा नहीं है क्या, देखा क्या, वो क्या बचा है उसको कब डालेंगे, मतलब अरे यार फ्राइड राइस बन रहा है ना,
तो कहते देखिए आहा ये किसका है, ये प्याज किसके लिए है? चावल के लिए। ओहो सुन इधर देख, खाने में तो तुम लोगों को मजा आता है लेकिन खाने के पीछे जो मेहनत होती है वो पता लगा क्या होता है? इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, एक दिन कर रही है तुपरे। तो चलिए अब इसको बनने देते हैं और जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग यार। आहा मेरा तो पता है इसको तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था ऐसे ही पकता रहे। और देखिए तेल में बिल्कुल क्रिस्पी हो रहा है बढ़िया तरीके, ये देख। तो चलिए ये जब तक बन रहा है अंडा भुर्जी हमारी, मीनवाइल अंडा है इसको डाल देते हैं इसमें। एक सेकंड हटो सुमित जी, छोड़ो इसको। ये देखिए सुमित आए, असिस्टेंट सुमित, बावर्ची सुमित, क्या बात है। कितना सुंदर लग रहा है, एसी लतू लगा दे, फिर दुबई से कमा कर आए हैं 8-10 लाख रुपए लगा दे हमारे लिए। बात तो ठीक कह रहा है, ये तो तूने बहुत सारी की बात है। वैसे तो तुम कूलर में भी बैठ जाओगे, काम के टाइम तो चाहिए ना। अगर एसी से इसकी हवा बंद नहीं होती है, मतलब नहीं होती, गैस नहीं बुझती है, नहीं बुझती, किचन में लगाने में फायदा हुआ एसी। वैसे बात तो बहुत ठीक कह रहे हैं, बताए कमरे और हॉल में लगाने से तो किचन में लगाने में फायदा हुआ। बैठ दोगे तो कूलर से भी काम चल जाता है। क्यों ठीक तो बोल रहा है मम्मी, गलत क्या बोला? उसका मोटा दिमाग है। नहीं गलत क्या बोला? क्यों कैसे बनेगा मतलब? मम्मी लगाते हैं मेरे ख्याल से यार। तो अगर मेरे कोई व्लॉगर बावर्ची वगैरह तो आप लोग बताना कि रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसा होता नहीं है क्या? एसी मेरे ख्याल से होना चाहिए यार, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। काश ऐसा होता हो, लेकिन अगर नहीं होता हो तो काश होता हो। पहले पवन लगाएगा फिर हम लगाएंगे। चलिए एक बार भुर्जी टेस्ट कर लेते हैं कैसी हो रही है। जस्ट लुक हाउ क्रीमी एंड क्रंची इट इज। आहा बहुत सही। सो फाइनली देखिए ये रही मेरी अंडा भुर्जी और ये रहा अंडा फ्राइड राइस। इसे पकड़, इसको पकड़। अरे बाबा आराम से जाना, आराम से जाना। सो चलिए ये रही मेरी थाली, एक बार मैं टेस्ट करके बताती हूँ। ऑल दो मैंने अंडा भुर्जी तो टेस्ट करी ली थी, फिर से टेस्ट करते हैं। आहा वाह मजा आ गया, क्रीमी। मैंने ना ज़्यादा पकाया नहीं उसको, ड्राई नहीं किया तो एक क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। बाकी एक बार चावल टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? मज़ा आ गया, बहुत सही हो रहा है। आहा ये नहीं वो, अरे मम्मी क्या भाई, चावल तो बहुत अच्छे हो रहे हैं अंडी फ्राइड राइस। यम, मुझे लगता है ना मैं होटल खोल सकती हूँ। तो गाइस चलिए अब हम खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। आप भी खाना खाइए या फिर मुझे खाते हुए देखिए।